तो भाई आज हफ्ते का वो खास दिन है जिस दिन मैं अपनी प्यारी बाइक को धुलता हूँ। काफी लोग ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि भाई गाड़ी धुले कैसे है, मतलब धुले कैसे, क्या होता है, मतलब बाइक की केयर कैसे करनी है, मैट कलर है तो इसका केयर कैसे किया जाए। अच्छा, इस बाइक की पता सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये बहुत गंदी भी होती है लेकिन गंदी लगती नहीं है। देखो आप, धूल की परतें इसमें जमी हुई है लेकिन दूर से उतनी साफ लगती है जितनी गंदी होती है। तो ये इस बाइक की खासियत है जो इसे थोड़ा सा अलग बनाती है। चलिए भाइयों, अब इसको लगाते हैं अपन मेन स्टैंड में और गाड़ी की धुलाई चालू करते हैं। ये है पानी का नल और इसी से मैं धुलने वाला हूँ, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करूँगा। ये बाइक है, इसको धुलूँगा और नॉर्मल पानी से, और पॉलिएस्टर का कपड़ा होता है, पॉलिएस्टर के कपड़े से पोंछ दूँगा, ये ऐसे चमक जाएगी। तो और कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से। तो बाकी ये लोग अलग अलग चीज़ें, अलग अलग शैम्पू यूज़ करते हैं। दरअसल क्या था कि सबसे देसी जुगाड़ मुझे बताया था इसके रॉयल इनफील्ड के शोरूम वाले ने कि जब भी आप बाइक को धुलो ना तो सिर्फ पानी से धुल के सूखे कपड़े से पोंछ दो, क्योंकि मैट कलर है, इसमें शैम्पू वैम्पू मत लगाओ, ये ऐसा ही भाई बहुत खूबसूरत लगता है। और ऐसा भाई गाड़ी धुल चुकी है, अब तो इसमें पानी के ड्रॉप्स बच रहे हैं, उसे सिर्फ और सिर्फ इस सूखे कपड़े से पोंछना है और कुछ नहीं करना है। काम हो गया, डन, 5 मिनट का काम बाकी। मैं बता रहा हूँ ना, स्मैट कलर के लेने की सबसे ज़्यादा खासियत है, और खास कर ये मिलिट्री ग्रेड जो मार्स का कलर है, भाई गंदी दिखती ही नहीं है। आप महीने भर मत धुलो, काफ़ी रहेगी। हाँ, ये जो आपका ब्लैक पार्ट है, ब्लैक मैट पार्ट, वो थोड़ा सा गंदा लगने लगेगा लेकिन उतना भी पता नहीं चलता क्योंकि बहुत ही रफ एंड टफ लुक है। बस आप पोछिए नॉर्मली गाड़ी को और जाकर पार्किंग में खड़ी कर दीजिए। गाड़ी हो गई है, खुल गई है, जो भी हल्की फुल्की धूल ढाल बची होगी वो सब कपड़े के पहुंचने से चली जाएगी। डन है।